हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है हैदराबाद मिंट के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हैदराबाद का एडमिट कार्ड कब आएगा, सर कब आएगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। हैदराबाद का जो मिंट, जो टक्सल जो आप लोग भरे थे, और कुछ साल पहले भी कोलकाता में भी टक्सल का फॉर्म निकला था, जो कि उसका एग्ज़ाम हो चुका है। और ये उसके बाद ये हैदराबाद वाला है। तो हैदराबाद वाला का दोस्तों एडमिट कार्ड आपके मेल पे, आप अपना मेल चेक कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ, वहाँ से आप आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक स्टूडेंट का है जो कि हम लोग डाउनलोड किए हैं, और उसी के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। तो बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक आप चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का अपडेट कंटिन्यू हम लोग अपने चैनल पे देते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपका हैदराबाद मिंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है टक्सल का, जो कि एक स्टूडेंट का ही ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस एडमिट कार्ड में देखते हैं। तो आप लोग भी अपना सभी को अपना मेल ज़रूर एक बार चेक कर ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट दे चुका है और ये एक छात्र है जो कि हम लोग इसका डाउनलोड किए हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन का। तो ये जो लड़का है ये फाउंड्री मैन का है, जो हम लोग का स्टूडेंट है। और ये जो आपको दिया हुआ है, तो मतलब कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब वहीं जूनियर टेक्नीशियन का पद में ये भरा था। लेवल देखिए यहाँ पे वन है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसका एक तरफ इसका जो दिया हुआ है जो है यहाँ पे, एक तरफ रोल नंबर और इसका अपना एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है ये इसका सेंटर, ये क्या है, इसका सेंटर नाम है। तो सेंटर नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इस लड़का का पड़ा है वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता में इसका सेंटर दिया हुआ है। और जैसे ही नीचे तरफ आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, वो भी क्या, रिसेंट, मतलब अभी का एक खींचा हुआ फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है जो 13 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम डेट दे चुका है, और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 11:30 बजे है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो दिशा निर्देश हर एक एग्ज़ाम में दिया हुआ जाता है वही रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।